थैंक यू हमारी तरफ से भी। ये क्या है? कृष्ण का सिंबल। जो भी किसी की हेल्प करता है उसे ये मिलता है। मैं कृष्ण को कहाँ मिल सकती हूँ? ये तो मुझे नहीं पता। हम तो बस इतना जानते हैं कि कृष्ण हमेशा सही जगह सही वक्त पर पहुँचता है। और जहाँ नहीं पहुँच पाता वहाँ तुम जैसे अच्छे लोग पहुँच जाते हैं सही वक्त पर और उसकी कमी पूरी कर देते। मैंने ऐसा क्या किया? किया? उस एहसास ने किया जो एक नेक इंसान की पहचान है। ये उसके लिए जिसने एक बच्चे को अपनी माँ से और एक माँ को अपनी जिंदगी से अलग नहीं होने दिया। क्या मैं प्रिया से बात कर रहा हूं या मेरी काया से? मुझे थोड़ा और वक्त चाहिएगा। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। कल तक या तो तुम मुझे वो इन्फॉर्मेशन दोगी या फिर कार्ल उसे अपने तरीके से हासिल करेगा। डॉक्टर, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं? पैरामीटर्स नॉर्मल, फीटस प्रॉपर पोजीशन में और हेल्दी है। तो फिर ये अपनी माँ के पेट में क्या कर रहा है? निकालो इसे बाहर अभी। लेकिन किस लिए काल? मैं इस स्टेज पर इसके डीएनए में अपना डीएनए इंजेक्ट करके देखना चाहता हूँ कि क्या जनरेट होता है, क्योंकि आज तक हमने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया है किसी भी जानवर या इंसान पर उसके जन्म लेने से पहले। राइट काल, बट इट्स टू अर्ली। अगर इस वक्त इसको बाहर निकाला जाएगा तो ये अबॉर्ट हो जाएगा, मर जाएगा ये। जब तक ये बच्चा 3 महीने का नहीं हो जाता ना तो हम इसे निकाल सकते हैं ना ही इस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यहां तक इसका डीएनए टेस्ट भी नहीं कर सकते। कितना वक्त? कम से कम 1 हफ्ता काल। सिर्फ 7 दिनों में तुम्हारी 9 महीनों की तकलीफ खत्म हो जाएगी और शायद मेरे कई सालों का इंतजार भी। कृष्णा, कहाँ हो? हैरान कर देने वाली सच्चाइयां सामने आ रही हैं कृष्णा। पहले ये पता चला कि काल फार्मास्यूटिकल ने जो एंटीडोट बनाया था और जो म्यूटेंट हमारी कस्टडी में था, दोनों का डीएनए एक ही है। और अब सबसे हैरान कर देने वाली सच्चाई ये सामने आई है कि हमने जो एंटीडोट बनाया था उसका भी डीएनए काफी हद तक वही है। मैंने कंफर्म करने के लिए कई बार टेस्ट किया लेकिन हर बार रिजल्ट वही आया। पर ये कैसे हो सकता है क्योंकि वो एंटीडोट तो हम लोग। लगता है प्रिया जाग गई। हाँ, आप वो एंटीडोट कैसी है वो? अब ठीक है पापा, वो एंटीडोट क्या? अच्छा सुनो, कल मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, तुम अपने और प्रिया का ख्याल रख। आप सिंगापुर जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सिंगापुर और डॉक्टर आर्या के गलत इरादे मेरे गुजरे हुए कल का एक अहम हिस्सा है। और ये जो नए सच नए सवाल लेकर आए इनके जवाब शायद मुझे मेरे अतीत में ही मिल सकता है। दया, क्या हुआ? तुम ठीक तो? हाँ, क्यों? पता नहीं, ऐसा लगा कि जैसे तुम दूर से मुझे आवाज दे रही हो। तुम्हारे पास हूँ तो दूर से कैसे आवाज दे सकती हूँ कृष्णा? True. पापा ने आवाज दी थी, उनको कॉफी चाहिए थी, वो अभी तक काम कर रहे हैं। अभी तक? पापा भी ना, मैं देख के आता। नहीं, उन्होंने कहा है कि वो किसी इम्पोर्टेंट रिसर्च पर काम कर रहे हैं।
हम उन्हें सुबह तक डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तुम चलो मेरे साथ, कम ऑन। ओके, चलो। क्या हुआ? नहीं, मैं कृष्णा का यकीन नहीं तोड़ सकती अब। और काल का यकीन? कह दूंगी काल से, जब तक रोहित मेहरा सिंगापुर से वापस नहीं आ जाते हमें रुकना होगा। मुझे सारे जवाब मिल गए हैं कृष्णा। सिंगापुर आने का मेरा फैसला एकदम सही था। सिंगापुर? आप सिंगापुर गए? कब? और बताया नहीं मुझे। बताया नहीं? कल रात को तो बताया था, जब तुम लैब में आए थे। कल रात? कब? सवाल पे सवाल। प्रिया भी और तुम्हारा बच्चा भी। और इस बार मैं कृष्णा से भी सच कह रही हूं और कृष्ण से भी।